नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आप सबको पता है कि पिछले 1 ईयर करंट अफेयर सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास के अंदर दोस्तों हमारा जो प्रीवियस टॉपिक हमने पेंडिंग छोड़ा था, दैट इज डेज, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले खत्म करेंगे और थोड़ा सा पार्ट आपको पता है कि हमारा स्टेट्स वाला भी रहता है, उसको भी आज खत्म करेंगे। आज हमारे पेंडिंग टॉपिक्स को हम फिनिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, एक बार मुझे बता दो कि मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर आ रही है। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। प्लीज एक बार स्टूडेंट्स कंफर्म कीजिएगा आवाज आप लोगों तक प्रॉपर आ रही है। उसके बाद हमने 2023 के जो इंपॉर्टेंट डेज थे उनको कवर किया था। अब मैं 2022 की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। पिछले साल के इंपॉर्टेंट डेज को भी हम कवर कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, चलिए। तो देखिए दोस्तों, दिसंबर की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले 1 दिसंबर का दिन आपको ध्यान रखना होता है। 1 दिसंबर को हमारे पास एड्स डे होता है, वर्ल्ड एड्स डे। एड्स यानी कि एक वायरस होता है हमारे पास, HIV वायरस, जिससे ये डिसीज होता है, दैट इज द ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स की अगर मैं बात करता हूँ, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रम्स की अगर मैं बात करता हूँ, ये डिसीज HIV वायरस में बॉडी में ट्रांसमिट होने की वजह से होता है। उसके बाद 5 तारीख को, यानी कि 5 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सॉयल डे। वर्ल्ड सॉयल डे मिट्टी के लिए एक दिन ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड सॉयल डे 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को। और इसको ऑर्गेनाइज करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 2014 में पहली बार इस दिन को ऑब्जर्व किया गया था, वर्ल्ड सॉयल डे को ऑब्जर्व किया गया था, दैट इज वर्ल्ड सॉयल डे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बार का इसका थीम क्या था ये भी देख लेते हैं। सॉयल्स वेयर फूड बिगिंस, सॉयल्स वेयर फूड बिगिंस, ये इस बार इसका थीम था दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं जैगुआर डे की, इंटरनेशनल जैगुआर डे। तो देखिए इंटरनेशनल जैगुआर डे जो है ये हमने 29 नवंबर को ऑब्जर्व किया, 29 नवंबर को ऑब्जर्व किया था, द नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में इसको ऑब्जर्व किया गया था, इंटरनेशनल जैगुआर डे, इंटरनेशनल जैगुआर डे। चलिए आगे बात करेंगे इन जैगुअर्स के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ, ये जैगुअर्स को हम पेंथेरा ओंका भी बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और ये नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आते हैं बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्लियर, IUCN की नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में ये आते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी की बात अगर मैं करता हूँ तो 12 दिसंबर को, 12th of December को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। और इस दिन की सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ह्यूमैनिटेरियन रीजन की वजह से इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं, क्लियर, कि न्यूट्रलिटी जो है कितनी इंपॉर्टेंट है इंसानी जीवन के लिए, कितना बेसिकली बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगला दिन ऑब्जर्व करते हैं, अगला दिन को देखते हैं, पावर मिनिस्ट्री टू सेलिब्रेट द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इन दिल्ली, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब, 14th of December। 14 दिसंबर को हर साल हम नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व करते हैं, एनर्जी की कंजर्वेशन के लिए। देखिए एनर्जी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण सोर्स हो जाता है क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज के टुवर्ड्स वर्क कर रहे हैं और इसलिए एनर्जी का सेव करना हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। तो एनर्जी कंजर्वेशन डे हमारे पास आता है 14th of December को, 14 दिसंबर को। उसके बाद हमारे पास आता है 18 दिसंबर को, दैट इज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। माइग्रेंट्स, देखिए वो पीपल्स जो एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर लोकेट होते हैं, दैट इज उनको माइग्रेंट बोलते हैं। तो दुनिया भर में जो भी माइग्रेंट्स है उनके लिए एक दिन हम ऑब्जर्व करते हैं, 18 दिसंबर, 18th of December को ऑब्जर्व किया जाता है, क्लियर, 18th of December को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं और दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे हमारे पास आता है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हमारा जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है ये इसने जनजातीय गौरव दिवस ऑब्जर्व किया, जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस कब, 15 नवंबर को, 15th of November को जनजातीय गौरव दिवस ऑब्जर्व किया, क्लियर, क्योंकि ये बिरसा मुंडा जी की होती है बर्थ एनिवर्सरी 15 नवंबर और 15 नवंबर को हमने इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड निमोनिया डे, वर्ल्ड निमोनिया डे। तो निमोनिया डे बच्चों कब होता है, निमोनिया डे होता है 12 नवंबर को, 12th of November को हम निमोनिया डे ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा दिसंबर और नवंबर में आने वाले कुछ और इंपॉर्टेंट डेज के लिए मैं बात करता हूँ तो दोस्तों 22 दिसंबर को हमारे पास क्या होता है, ध्यान रखना, 22 दिसंबर को हमारे पास मैथमेटिक्स डे होता है, 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे होता है। उसके बाद 23 दिसंबर को हमारे पास क्या होता है, फार्मर्स डे, फार्मर्स डे, फार्मर्स डे, हाँ जी ये चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन होता है, फार्मर्स डे। 24 दिसंबर को हमारे पास कंज्यूमर राइट्स डे होता है, कंज्यूमर डे, क्लियर। और 25 दिसंबर को हमारे पास क्या होता है, गुड गवर्नेंस डे,
गुड गवर्नेंस डे, ये सारे भी ध्यान रखने आपने। उसके बाद हमारे पास अगर मैं इतिहास की बात करता हूं तो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, सिखी के 10वें पातशाही, सिखी के 10वें गुरु, उनके जो पुत्र थे उनकी शहादत आप सबने पढ़ी भी होगी इतिहास में, ठीक है। किस तरह से मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए उनका बेसिकली उनको दीवारों में, दो बच्चों को जिंदा बेसिकली दीवारों में चिनवा दिया गया, दो और शहीद हुए। तो वीर बाल दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद, सो ये ध्यान रखना। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए या जो कि इस फाइल में नहीं थे। निमोनिया डे 12 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार इसका थीम था निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन, ठीक है, निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आएगा दैट इज स्वच्छता रन। स्वच्छता रन जो है ये ऑर्गेनाइज की गई वर्ल्ड टॉयलेट डे के चलते हुए। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब होता है? 19 नवंबर को, 19th ऑफ नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19th ऑफ नवंबर को। इस बार इसका थीम क्या था? मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, दैट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑफ 2022, ये ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे आता है। देखिए हम सबको पता है कि चिल्ड्रन डे भारत देश में हम 14 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, बट 14 नवंबर को जो चिल्ड्रन डे होता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है जो हम भारत में ऑब्जर्व करते हैं। दुनिया में चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, 20th ऑफ नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या था? इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, ये इस बार इसका थीम था दोस्तों। दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे की, संविधान दिवस की बात करते हैं। अब ये संविधान दिवस जो आता है ये 26 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 26th ऑफ नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनकर तैयार हो गया था। तो पहले हम इसे लॉ डे के तौर पर ऑब्जर्व करते थे, अब हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं। पहले इसे नेशनल लॉ डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता था। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ जी, नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस। नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1st of October को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। 2nd of October को आप सबको पता है कि गांधी जयंती होती है, ठीक है, और अक्टूबर 1st को हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन भी ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। और इस बार इसका थीम क्या था? रीसिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। ये थीम दोस्तों यहां पर रखा गया था, और इस थीम के साथ इस दिन को ऑब्जर्व किया गया, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने दैट इज वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड हैबिटेट डे दोस्तों कब होता है? हाँ जी, हैबिटेट मतलब बसेरा होता है, कि हर किसी के पास अपना हैबिटेट होना चाहिए। दुनिया में जितनी भी स्पीसीज है हर किसी के पास अपना हैबिटेट हो, इसी के लिए वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो पहला मंडे जो अक्टूबर मंथ का होता है उस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे, द फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी अक्टूबर, जो इस बार था 3rd अक्टूबर को। इस बार कितना तब था? 3rd अक्टूबर को। थीम क्या था इसका? माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड, जो इस बार इसका थीम था। उसके बाद वर्ल्ड टीचर्स डे आता है। देखिए हम नेशनल टीचर्स डे इंडिया में मनाते हैं 5th ऑफ सितंबर को, बट आपको पता है भारत देश के अंदर 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, बट दुनिया में कब मनाया जाता है? दुनिया में होता है 5 अक्टूबर को, ठीक है, एक महीने बाद। दैट इज इंटरनेशनल टीचर्स डे और वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, क्लियर जी। चलिए और इस बार थीम क्या था? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स, ये इस बार इसका थीम था दोस्तों। दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टूडेंट्स आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड कॉटन डे। वर्ल्ड कॉटन डे, कॉटन डे की जब मैं बात करता हूँ तो कॉटन जो है ना, इस पे चलते हुए आपको कॉटन फॉर कंट्रीज भी ध्यान में रखनी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और वर्ल्ड कॉटन डे हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 7 अक्टूबर को, 7th of October को ऑब्जर्व करते हैं। और इसका थीम था इस बार वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। Weaving a better future for cotton, clear? और 4 cotton 4 countries के जैसे मैंने बात की, Benin, Burkina Faso, Chad and Mali, ये 4 countries हैं cotton 4 countries इनको बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। जब मैं माइग्रेटरी बर्ड डे की बात करता हूँ तो ये 2nd Saturday of October को ऑब्जर्व किया जाता है, अक्टूबर के 2nd Saturday को ऑब्जर्व किया जाता है, और जो कि था इस बार 8 अक्टूबर को, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, हाँ जी, साइबर जागरूकता दिवस। साइबर जागरूकता दिवस जो है ये भारत देश के अंदर
लोगों में साइबर सिक्योरिटी को लेकर अवेयरनेस पैदा करने के लिए ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, तो फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ यहां पर चूज किया गया साइबर जागरूकता दिवस के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, वेरी फेमस इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो हमारे पास आता है, ये होता है 11 अक्टूबर को, 11th ऑफ अक्टूबर को होता है। और इस बार इसका थीम था आर टाइम इज नाउ आर राइट्स आर फ्यूचर, आर टाइम इज नाउ आर राइट्स आर फ्यूचर, ये इस बार हमारा थीम था, ये इस बार हमारा थीम था। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, द वर्ल्ड वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे, द वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे आता है 12th ऑफ अक्टूबर को। इस बार अगर मैं इसकी बात करता हूँ ना, ये स्लॉथ बियर की जब मैं बात करता हूँ, तो स्लॉथ बियर जो है ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। क्लियर? हाँ जी, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है इसका हेडक्वार्टर बताना प्लीज, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर, देखते हैं किसको पता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो हमारे टूटे पुराने मोबाइल फोन होते हैं, केबल्स होती हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स होते हैं, जो हम फेंक देते हैं, हमारे किसी काम के नहीं होते, इसको बोलते हैं ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए एक दिन जो है हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज 14th ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या था, दैट इज रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, दैट इज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट हैंड वॉशिंग की बात करते हैं तो कोविड के बाद इसको थोड़ी सी महत्ता मिलती है। ठीक है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। इस बार थीम था यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। ये दिन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, द नेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब इस डे की अगर मैं बात करता हूं तो 17th ऑफ अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं द इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। और इस बार हमारा थीम था डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, ये हमारा थीम था दोस्तों, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वर्ल्ड स्टैट्स डे की बात करता हूँ, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो हमारे पास आता है ये 20 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, बट हमारे पास नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भी होता है जो हम 29 जून को ऑब्जर्व करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। और इस बार थीम क्या था इसका, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इस बार हमारा थीम था दोस्तों, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी स्टूडेंट्स, उसके बाद इन्फेंट्री डे, इन्फेंट्री डे हम ऑब्जर्व करते हैं 27th अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी को ऑब्जर्व किया जाता है 5 सितंबर, जब टीचर्स डे भी होता है तो टीचर्स भी अपना ज्ञान बेसिकली बच्चों में बांटकर चैरिटी ही करते हैं, इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, टीचर्स के साथ जुड़ी हुई है चैरिटी, ये आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे चैरिटी डे के बाद, आगे देखते हैं क्या आता है हमारे पास। हाँ जी, द नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, फॉरेस्ट मार्टियर्स डे कब होता है, 11 सितंबर को होता है, 11th ऑफ सितंबर को होता है फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। हाँ जी, हिंदी दिवस, 14th ऑफ सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं भारत देश के अंदर, बट आपको पता है 10th ऑफ जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे भी ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे, ये दोनों चीजें ध्यान रखना, वर्ल्ड हिंदी डे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चले नेक्स्ट, 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व करते हैं पूरे भारत देश में, ये सर एम विश्वेश्वराया जी का जन्मदिन होता है, सर एम विश्वेश्वराया, दैट इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग सिस्टम, इंडियन प्लानिंग सिस्टम के पितामह एम विश्वेश्वराया जी, जो कि मैसूर के दीवान भी रहे, उनका जन्मदिन होता है जिसको हम भारत देश में इंजीनियर्स डे के तौर पर मनाते हैं 15 सितंबर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, जब हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तो ये 16 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, 16th ऑफ सितंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों। चलिए उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी का ये दिन 15 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15th ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर? उसके बाद अल्जाइमर की बात करते हैं, अल्जाइमर बहुत ही घातक बीमारी है भैया, तो इस बीमारी को लेकर 21 सितंबर का दिन जो है रखा गया है,
वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर का, 21 सितंबर को हम अल्जाइमर डे जो है ऑब्जर्व करते हैं। इस बार इसका थीम क्या था, नो डिमेंटिया नो अल्जाइमर्स, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस जो आता है ये 23rd of September को दोस्तों ऑब्जर्व करते हैं हम, 23rd of September को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। एंड दिस टाइम द थीम वॉज साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस, साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस, ये इस बार हमारा थीम था, ठीक है, दैट वॉज द थीम। उसके बाद वर्ल्ड टूरिज्म डे आता है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था आपको जब हेरिटेज डे की बात कर रहे थे हम, ठीक है। सो वर्ल्ड टूरिज्म डे ये कब होता है, 27th of September को होता है, 27 सितंबर को। और इस बार हमारा थीम क्या था इसको लेकर, द रीथिंकिंग टूरिज्म, रीथिंकिंग टूरिज्म। मैंने आपको थीम स्कीम भी बताई थी ना एक, दैट इज अडॉप्ट अ हेरिटेज, ठीक है, अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ ये स्कीम ध्यान में होगी। इसके तहत बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स या हेरिटेज साइट्स को अडॉप्ट किया जा रहा है, अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ल्ड मैरिटाइम डे। देखिए मैरिटाइम का मतलब होता है समुद्र, ठीक है, तो मैरिटाइम डे ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पर, कब ऑब्जर्व करते हैं हम, ठीक है। इस साल ये 29 सितंबर को आया था, बट वैसे ये होता है थर्सडे, फाइनल थर्सडे इन सितंबर, यानी कि लास्ट थर्सडे सितंबर मंथ का जो होता है उस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मैरिटाइम डे, वर्ल्ड मैरिटाइम डे। और इस बार थीम क्या था, न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर द ग्रीनर शिपिंग, न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रीनर शिपिंग। एंड ये हमारे लिए वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्लू इकोनॉमी की, ब्लू इकोनॉमी की। उसके बाद फ्रेंडशिप डे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 30 जुलाई को, ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगस्त की तरफ, वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे कब होता है, 1 अगस्त को, 1st of August को हम वर्ल्ड वाइड वेब डे ऑब्जर्व करते हैं। उसके अलावा 8th नेशनल हैंडलूम डे जो है ये मणिपुर में ऑब्जर्व किया गया, नेशनल हैंडलूम डे, हाँ जी, ये 7 अगस्त को मनाया गया, ठीक है, 7 अगस्त को हैंडलूम डे ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर द इंडिजीनियस पीपल, वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, तो वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स के लिए 9 अगस्त का दिन जो है वो चूज किया गया दोस्तों, 9th of August को हमने दिन ऑब्जर्व किया, 9th of August। उसके बाद संस्कृत की बात करते हैं, वर्ल्ड संस्कृत डे आता है 12 अगस्त को, 12th of August को, बट 12 अगस्त को आप सब जानते हैं हम यूथ डे भी ऑब्जर्व करते हैं, यूथ डे भी ऑब्जर्व किया जाता है 12 अगस्त को ही। देखिए हमारे पास एक यूथ डे हम ऑब्जर्व करते हैं, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल यूथ डे जब हम ऑब्जर्व करते हैं 12 जनवरी को तो वो स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। उसके बाद द 19th of August वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद अक्षय ऊर्जा दिवस आता है हमारे पास जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी डे भी बोलते हैं, ये कब आता है दोस्तों, 20 अगस्त को आता है, 20th of August अक्षय ऊर्जा दिवस, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे, रिन्यूएबल एनर्जी डे इंटरनेशनल नहीं, इंडिया में ऑब्जर्व किया गया, अक्षय ऊर्जा दिवस, चलिए, हाँ जी। उसके बाद इंटरनेट डे, इंटरनेट डे जो है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब की, सॉरी, वर्ल्ड वाइड वेब की जो इन्वेंशन है उसको ऑनर करते हुए, उसको मार्क करते हुए इसको ऑब्जर्व किया जाता है, क्लियर, कब होता है, 23 अगस्त को। नेक्स्ट इंटरनेशनल वेल शार्क डे, दैट इज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे 30 अगस्त को होता है। उसके बाद नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, जैसे मैंने पहले बताया था कि 29 जून को होता है, ये भारत के एक बहुत ही महान स्टैटिस्टिशियन, दैट इज प्रोफेसर पीसी महारानोबिस का जन्मदिन होता है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं यहां पर 29 जून को, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। चलिए नेशनल डॉक्टर्स डे, ये 1 जुलाई को होता है, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी होता है, 1 जुलाई को हम बेसिकली SBI का फाउंडेशन डे भी ऑब्जर्व करते हैं, ये भी ध्यान रखना, हाँ जी। और इसके अलावा 1 जुलाई को क्या होता है, कोई बताएगा 1 जुलाई को क्या हुआ था, 1 जुलाई को ना इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत बड़ा बूम हुआ था, बहुत बड़ा रिफॉर्म आया था, बट किस वर्ष में आया था आप लोग बताएंगे, हाँ जी, किस वर्ष में आया था और क्या टैक्स बूम की मैं बात कर रहा हूं 1 जुलाई को, एनीवन इन द कमेंट सेक्शन, बहुत अच्छे नेक सिंह, बट विच ईयर, किस दिन की बात कर रहा हूं मैं, दैट इज गब्बर सिंह टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो ये गब्बर सिंह टैक्स साहब जो आए थे ये 1 जुलाई 2017 में आए थे, सो 2016 में मृदा जी नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016, ठीक है, 1 जुलाई 2017 जीएसटी, ठीक है, 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, 2017 में जीएसटी आता है, ये ध्यान रखना। तो 1st of July को हम जीएसटी डे भी ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज गब्बर सिंह टैक्स डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद 6 जुलाई को जूनोसिस डे होता है, जूनोसिस,
और 1 जुलाई का मैंने एक और बताया ना, एसबीआई डे आता है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसबीआई का इतिहास पढ़ेंगे तो वो अपने आप में एक बहुत महान है, क्योंकि पहले हमारे पास जो कुछ बैंक होते थे प्रेसिडेंसी बैंक, 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे हमारे पास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज किया गया था और इन तीनों को मर्ज करके 1921 में बनाया गया था, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज्ड करते हुए बनाया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो 1 जुलाई को हम एसबीआई डे भी ऑब्जर्व करते हैं। चले सो जूनोसिस डे होता है 6 जुलाई को। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं हम, फिश फार्मर्स डे। उसके बाद वर्ल्ड ब्रेन डे आता है 22 जुलाई को, ब्रेन डे, दिमाग का दिवस, 22 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है ब्रेन डे, ब्रेन डे, क्लियर। और थीम क्या था, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। उसके बाद वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ये 28 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। और उसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है, इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है, ठीक है। अब हम स्टेट वाले पार्ट की तरफ थोड़ा सा वापस बढ़ते हैं। आपको बताया कि हमारा स्टेट वाला पार्ट बाकी है, ठीक है, हम स्टेट डिस्कस कर रहे थे और स्टेट्स का हमारा पार्ट जो है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो स्टेट वाले पार्ट को खत्म कर लेते हैं दोस्तों। हाँ जी, स्टेट्स वाले पार्ट को फिनिश कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या बचा हुआ था स्टेट वाले पार्ट में। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट का समय दीजिएगा, फाइल खोल लेते हैं। स्टेट वाली न्यूज को हमने काफी पढ़ा था और बाकी का जो पेंडिंग था हमारा स्टेट वाला उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको जुलाई से लेकर डेट्स करवाई हैं और क्योंकि जून का हमें 2023 का ही पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो जुलाई में होने वाला है, तो जून हमें 2023 वाला ही पढ़ना है, ठीक है। जून के मैं अलग से करवा दूंगा आपको, वैसे तो हम डेली बेसिस पे ही कर रहे हैं, तो डेली वाली क्लासेस आप देखते रहिए, ठीक है, डेली वाली क्लासेस आप देखते रहिए, क्लियर। काइंडली कोई बताएगा मुझे हमने कितने तक कर लिया था, कोई बताएगा, एनीवन प्लीज, कि हमने कहां तक कवर कर लिया था, कितनी न्यूज कवर करी थी। ये सब अभी हमने कवर नहीं किया है, ये हमने कवर नहीं किया था। एनीवन प्लीज कंफर्म कि कहां तक कवर किया था हमने। आई थिंक वी हैव कवर्ड 50 न्यूज, जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने 50 कवर किया था। यस बिल्कुल 50 कवर किया था हमने, 51 से स्टार्ट करते हैं इसको कवर करते हैं, ठीक है, 50 तक हमने कवर किया था और 51 से स्टार्ट करते हैं। चले लेट्स बिगिन फॉर द 51। सो 51 में हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब, इन्होंने सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया फार्मर्स के लिए। देखिए नवीन पटनायक जो सीएम है ये काफी लॉन्ग टर्म सीएम रह चुके हैं, काफी बार से चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं उड़ीसा के अंदर, बीजू जनता दल की सरकार है, बीजू जनता दल, बीजू पटनायक इनके पिताजी के बनाई गई पार्टी है ये, और नवीन पटनायक जी ने यहाँ पर
लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे एफर्ट्स ये करते रहते हैं। और सफल नाम का एक कैंपेन, एक क्रेडिट पोर्टल जो है इन्होंने लॉन्च किया किसानों के लिए। सफल का मतलब क्या है? सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स, यानी कि किसानों को लोन लेना आसान हो जाए उसके लिए इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया, जिसके चलते हुए बैंक्स जो है किसानों को उस पोर्टल के चलते हुए इजीली लोन दे सकते हैं। क्लियर, लोन दे सकते हैं। तो सफल यहां पर लॉन्च किया गया, सफल यहां पर लॉन्च किया गया। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं 52 की, दैट इज उसके बाद हमारे पास आता है मियावाकी फॉरेस्ट एंड मेज गार्डन। तो मियावाकी फॉरेस्ट एंड मेज गार्डन जो है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी में इसको बनाया जा रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी में इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, एस्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली 2100 मीटर के पाथवे के साथ इसको बनाया जाएगा, स्प्रॉलिंग इन 3 acres विद द पाथवे ऑफ 2100 मीटर्स इसको बनाया जाएगा, ये मेज गार्डन। और इसी के साथ साथ मियावाकी फॉरेस्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी पे। उसके बाद बात करेंगे, हाँ जी, मोदी जी जो है ये यहाँ पर 10 सितंबर 2022 को इन्होंने अहमदाबाद गुजरात में साइंस कंक्लेव को इनोग्रेट किया। ये बात ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने साइंस कंक्लेव। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आता है 9.8 किलोमीटर का टनल बनाया गया है बनिहाल कटरा रेलवे लिंक पे, जो कि कंप्लीट कर दिया गया। आई थिंक ये पढ़ चुके हैं हम सब, ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो 5000 मेगावाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है पंजाब के अंदर, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। उसके बाद आगे बात करेंगे तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं आपको पिगरी स्कीम के बारे में, कि जिसमें गवर्नमेंट ने 15.18 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं, ठीक है। सो 6000 फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, 25 करोड़ जो है यहाँ पर सेकंड फेज के लिए रखे गए हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना लेके आ रही है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रिसर्च स्कॉलर्स को मंथली पैसे दिए जाएंगे, 3000 रुपए का मंथली फेलोशिप दिया जाएगा, ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, क्लियर। सो ये सब हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी, इंडिया का पहला बायो विलेज ये त्रिपुरा में सेटअप किया जा रहा है, ठीक है, त्रिपुरा। उसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है समर्थ ई गवर्नमेंट पोर्टल लेके आई है, समर्थ पोर्टल, जिसके चलते हुए जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव या एजुकेशनल अपडेट्स है वहां के स्कूल्स की, वो सारी के सारी यहां पर होंगी समर्थ पोर्टल पे। उसके बाद आर्मी का फायर एंड फूरी कॉप्स जो है इसने इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट को कारगिल पे एक्सटेंड कर दिया है, क्लियर, कारगिल। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बॉर्डर टूरिज्म पैक्स अप इन जम्मू एंड कश्मीर। हाँ जी, आई थिंक 60 तक पढ़ा था, अब कवर करते हैं आगे का। हाँ जी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है वहां पर बॉर्डर टूरिज्म पैकेज जो है, पिक हो चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो है अब आने शुरू हो गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा टूरिज्म जो है वो पिक हो चुका है, लोग आने शुरू हो गए हैं। और देखो, टूरिस्ट आने से क्या होता है, स्टेट को मिलता है रेवेन्यू, तो एक बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने एक यूनिक फार्म आईडी बनाई है, आधार नंबर जैसी, जो कि किसानों के लिए काम करेगी। वैसे किसान जो भी बेसिकली जमीन से संबंधित है, उन किसानों के लिए एक ऐसा यूनिक फार्म आईडी बनाया जाएगा उनकी जमीन के लिए। उसके बाद पहला सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी अहमदाबाद में लेके आया है गुजरात की सरकार, और ये 2022 से लेकर 2027 के लिए काम करेगा, ये सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी अहमदाबाद के अंदर। नौनी के साइंटिस्ट है, इनको मिलता है यंग रिसर्चर अवार्ड, प्रमोद शर्मा जी डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी में कार्य करते हैं, इनको आउटस्टैंडिंग यंग रिसर्चर अवार्ड यहां पर दिया गया था, ठीक है, नौनी यूनिवर्सिटी, नौनी साइंटिस्ट। सो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट, हम स्टेट्स में बात कर रहे हैं इसकी। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली ट्रांसगिरी एरिया हिमाचल प्रदेश का जो है उसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया है, जिसके चलते हुए हाटी कम्युनिटी सिरमौर की जो है उसके 1,60,000 पीपल जो है उनको बेनिफिट मिलने वाला। हाँ जी, पंजाब पहला राज्य बनेगा जो कि वेलफेयर स्कीम्स लेके आएगा, पेंशन पेमेंट्स लेके आएगा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। हाँ जी, दैट इज पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू यह पंजाब जो है ये बेनिफिट देगा अपने लोगों को, क्लियर, पेंशन के तौर पर 1500 रुपए पर महीना पेंशन देने वाला है। उसके बाद बेसिकली शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में काफी सारी ट्राइब्स को ऐड किया गया, एडिशन ऐड करेगी, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, दैट इज हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ की कुछ ट्राइब्स को, 4 ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में ऐड करना, ठीक है। हाटी ट्राइब इन द ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, नरी कौरवान एंड पुरी विकरण हिल ट्राइब्स ऑफ तमिलनाडु एंड विजया ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़, इनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे झारखंड की। यहां पर झारखंड ने रिजर्वेशन बढ़ा दी है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, कितनी, 77%। अब देखो बहुत सारे स्टेट्स हैं जो बेसिकली रिजर्वेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, और ये बात करते हैं कि इनको नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया जाए, नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया जाए। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करी थी, कर्नाटका की बात करी थी, कि वो भी यहां पर रिजर्वेशन को इंक्रीज कर चुके हैं। उसके बाद यहां पर पीस एग्रीमेंट जो है यहां पर साइन किया गया ट्राइबल्स और टी गार्डन वर्कर के बीच में, असम के अंदर, असम के अंदर, असम के अंदर। नागा पीस टॉक की बात करें तो जो भी यहां पर नागालैंड के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, जो भी यहां पर प्रॉब्लम चल रही है, डिस्टर्बेंस चल रहा है, उसको शांत करने के लिए यहां पर नागा पीस टॉक करी गई। उसके बाद लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख में 2000 रनर्स ने पार्टिसिपेट किया कारगिल इंटरनेशनल मैराथन रन के बीच में, जो कि यहां पर ऑर्गेनाइज की गई थी 42 किलोमीटर फुल मैराथन, 42 किलोमीटर का मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद आगे बात करेंगे हिमाचल टेम्पल्स के गोल्ड और सिल्वर जो है इनको कॉइन्स में ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा कॉइन्स के अंदर। द हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ देवभूमि, देवभूमि भी हम इसको बोलते हैं। तो बहुत सारे मंदिर है यहाँ पर, इन कॉइन्स, इन मंदिर से जो सोना और चांदी है इसको सिक्कों में कन्वर्ट किया जाएगा। खैर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कश्मीरी सैफरन का जो जीआई टैगिंग है, ये नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुका है, ठीक है। सो जीआई टैगिंग की गई, दैट इज ऑफ कश्मीरी सैफरन, कश्मीर सैफरन। बिहार गवर्नमेंट जो है ये नो बैग डे लेके आएगी, नो बैग डे लेके आएगी स्कूल्स के अंदर, नो बैग डे, नो बैग डे, यानी कि बच्चों को जो है हफ्ते में एक दिन जो है स्कूल में कोई भी बैग लेके नहीं जाना है, उनका गेमिंग डे रखा जाएगा। हफ्ते में एक दिन गेम डे स्कूल में होना चाहिए, और आपको उस दिन खाली हाथ स्कूल जाना है, बैग लेके नहीं जाना है। तो ऐसा करेगी बिहार की सरकार, बिहार की सरकार। नागालैंड की सरकार कहती है हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेके आएंगे, ठीक है। पहले अक्टूबर से शुरू कर दिया इन्होंने अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। उसके बाद गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने बेसिकली इसको लॉन्च किया था, गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना। क्लियर, छत्तीसगढ़ के अंदर गोधन न्याय योजना चलेगी, जिसके चलते हुए गाँव का जो गाय का काऊ का जो वेस्टेज होता है, यानी कि उसका जो बेसिकली डंग होता है, उसको यहाँ पर खरीदा जाता है, बेचा जाता है, दैट इज गोधन न्याय योजना। उसके बाद असम के अंदर, असम के अंदर अरुणोदय, अरुणोदय स्कीम जो है लॉन्च की गई, जिसके चलते हुए असम के बेसिकली जो लोग हैं, ठीक है, वो फ्लैग खरीदेंगे। आप सबको पता है कि नेशनल फ्लैग हमारे पास आता है, तो नेशनल फ्लैग को खरीदेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद बेसिकली नेशनल फ्लैग के चलते हुए यहाँ पर स्कीम में बेसिकली पैसा आएगा, और वहां से 1,000 रुपये मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो यहां पर दिया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की महिलाओं को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की महिलाओं को। उसके बाद असम के अंदर नई लैंड पॉलिसी आएगी ट्राइबल्स पीपल्स के लिए, जिसके चलते हुए उनकी लैंड होल्डिंग को इंक्रीज किया जाएगा, उनकी लैंड होल्डिंग को इंक्रीज किया जाएगा। ये यहां पर अनाउंस किया गया असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। आगे बात करेंगे हरियाणा की, बात करते हैं दोस्तों। हरियाणा के अंदर बेसिकली वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आती है फॉर द इनडेप्टेड फार्मर्स, जो किसान कर्जे में डूबे गए हैं उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस स्कीम सरकार लेके आती है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट, मार्केट लिंकेज स्कीम प्रवास जो है जम्मू एंड कश्मीर के फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई, जम्मू एंड कश्मीर के बेसिकली जो किसान है उनके लिए इस प्रवास नाम की स्कीम को लॉन्च किया गया। क्लियर, जिसके चलते हुए इन किसानों को सपोर्ट दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है, फ्रेट चार्जेस जो है उसमें बेनिफिट दिया जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पेटेंट मिलता है, दैट इज फॉर पोटैटो फ्लेक्स एनर्जी बार, पोटैटो से बने हुए फ्लेक्स एनर्जी बार के लिए यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लेती है क्या, दैट इज पेटेंट एक्ट, पेटेंट, पेटेंट को रजिस्टर करवाया जाता है, ये सब आप सबको पता होगा, ठीक है। मेघालय जो है ये सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स को 30 अक्टूबर से होस्ट कर चुका है और ऑर्गेनाइज कर चुका है। मेघालय द सेकेंड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 30 अक्टूबर 2022 से ऑर्गेनाइज की गई। क्लियर, मेघालय, मेघालय में कहाँ पे, शिलोंग में, मेघालय की राजधानी शिलोंग। उसके बाद 29 इंसिडेंट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट हिट हिमाचल प्रदेश इन 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में बादल फटने के 29 केसेस हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पर बताया गया, ये यहाँ पर एक रिपोर्ट के चलते हुए बताया गया। उसके बाद मणिपुर की बात करेंगे, मणिपुर का जो पाइनएप्पल फेस्टिवल है, ठीक है, इसको ऑब्जर्व किया गया पाइनएप्पल कल्टिवेशन के साथ साथ कहाँ पर, चूराचंदनपुर में, चूराचांदपुर में, चूराचांदपुर में, मणिपुर के अंदर, मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट, मोदी जी ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल मोहाली पंजाब में इनोग्रेट किया 24 अगस्त 2022 को, दैट इज होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, इसको ऑब्जर्व किया गया, लॉन्च किया गया। राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स जो है ये इसमें 11,000 पंचायत ने हिस्सा लिया, दैट इज इन राजस्थान,
राजस्थान, राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स, रूरल ओलंपिक्स गेम्स। कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया काशी यात्रा स्कीम, जिसके चलते हुए 30,000 श्रद्धालु जो है ठीक है ये काशी जाएंगे, जिसके चलते हुए इनको 5,000 रुपए का कैश असिस्टेंस दिया जाएगा, कैश असिस्टेंस दिया जाएगा। उसके बाद एंथ्रेक्स अलर्ट की बात करते हैं, केरला के थ्रिसुर इलाके में एंथ्रेक्स नाम का जो इन्फेक्टस डिसीज है उसके बहुत सारे चांसेस जो है वो देखे गए थे, पिछले साल की ये बात है, बहुत सारे वाइल्ड बॉर्स में ये डिसीज जो है वो देखने को मिला, ये डिसीज देखने को मिला, क्लियर। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, एंथ्रेक्स की बात कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा जो है ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन को प्रमोट करेगा। देखिए ड्रैगन फ्रूट जो है अपने आप में बहुत महंगे में बिकता है, और हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं ये गेहूं और चावल की खेती करते रहते हैं, इसके अलावा इनको क्रॉप रोटेशन पे जाना चाहिए, और यहाँ पर हरियाणा जो है ये ड्रैगन फ्रूट की खेती को भी यहाँ पर प्रमोट करेगा। इससे पहले गुजरात ने भी ऐसा किया था, और गुजरात ने तो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम भी रखा था, कमलम भी रखा था। नेक्स्ट, कर्नाटका ने इनवाइट किया कोरियन डेलीगेशन को कि आप आओ पार्टिसिपेट करो कर्नाटका ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में, क्लियर, और बेंगलुरु टेक समिट में जो कि नवंबर 2022 में ऑर्गेनाइज की गई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यूपी भारत का पहला राज्य बनता है जिसमें 13 एक्सप्रेसवे हैं, 13 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं कुछ बन रहे हैं। यूपी भारत का पहला राज्य बनता है, यूपी भारत का पहला राज्य बनता है। कौन कौन से एक्सप्रेसवे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ एक्सप्रेसवे यहाँ पर बताए गए हैं जो बन चुके हैं, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ, दिल्ली मेरठ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद कानपुर, गोरखपुर सिलीगुड़ी, दिल्ली सहारनपुर, गाजीपुर बालिया, क्लियर, ये यहाँ पर एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं, कुछ टेक्सटाइल पार्क्स हैं, दैट इज बनाया, एक टेक्सटाइल पार्क है पंजाब के माटेवरा फॉरेस्ट में, इसको स्क्रैप कर दिया गया है बेसिकली। देखिए माटेवरा फॉरेस्ट में बनाया जा रहा था, माटेवरा बोलते हैं, माछीवाड़ा भी बोलते हैं इस फॉरेस्ट को, लुधियाना के पास पड़ता है, इसको स्क्रैप करके टेक्सटाइल पार्क बनाया जाना था, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स, तो ये अभी काफी चर्चा में है, अभी इसको स्क्रैप किया गया था कि इसको नहीं बनाया जाएगा, बट अभी भी ये क्राइसिस में कि बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, क्लियर। उसके बाद हिमाचल में बहुत ही जल्द ड्रोन इनेबल्ड सर्विसेज लॉन्च हो जाएंगी, हालांकि कुछ एरियाज में हो भी गई है, बट सरकार इसको लेकर वर्क कर रही है। हिमाचल सरकार ने स्काई एयर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके चलते हुए स्टेट्स में जो डिलीवरी है वो ड्रोन्स के थ्रू की जाएगी, ड्रोन्स के थ्रू की जाएगी। त्रिपुरा सरकार जो है ये स्कीम लेके आएगी बहुत जल्द, जिसके चलते हुए जितने भी स्कूल से छोड़े हुए बच्चे निकले हुए हैं, ठीक है, स्कूल छोड़कर निकले हुए लोग हैं, उनको वापस स्कूल की तरफ लेके आएगी। इसके चलते हुए त्रिपुरा की सरकार स्कीम टू ब्रिंग द ड्रॉपआउट बैक टू स्कूल्स एक स्कीम लेके आएगी, क्लियर। नेक्स्ट, बिहार असेंबली का सैनिटरी सेलिब्रेशन किया गया, यानी कि 100 साल पूरे हो चुके हैं बिहार असेंबली को बने हुए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें खुद भाषण दिया। मोदी जी बिहार गए थे, वहां पर जाकर इन्होंने खुद मोर्चा संभाला और भाषण दिया, बिहार बिहार। उसके बाद हर घर तिरंगा कैंपेन जो है हरियाणा में चला, 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक इसको चलाया गया था, हर घर तिरंगा। केरला भारत का पहला राज्य बना जिसने अपना इंटरनेट सर्विस स्कीम चलाया, केरला भारत का पहला राज्य अपना इंटरनेट सर्विस, इसका नाम क्या रखा गया, के फोन या केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। हाँ जी, हरियाणा जो है फुटवियर लेदर क्लस्टर लेके आएगा 500 एकड़ में रोहतक के अंदर। जी हाँ, फुटवियर लेदर क्लस्टर 500 एकड़ का रोहतक में लगाया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा, IIT इंस्टीट्यूट्स के साथ यहाँ पर साइन अप करके इसको बनाया जाएगा। एंड द राजस्थान गेट्स द कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर टूल फॉर द फास्ट डिस्पोजल ऑफ द केसेस इन लोक अदालत। राजस्थान ने भारत देश का पहला फास्टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल हासिल किया, जिसके चलते हुए लोक अदालत के केसेस को बहुत इजीली हैंडल किया गया और बहुत तेजी से हैंडल किया गया। लोक अदालत की फॉर्मेशन लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंदर होती है, दैट इज ऑफ 1987, एंड एक बॉडी है दैट इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। ये बॉडी यहाँ पर बनाती है लोक अदालत पुअर पीपल्स को जस्टिस दिलाने के लिए और केसेस के फास्ट रिडर्सल के लिए इसको बनाया जाता। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज इतना ही करेंगे, और इसी के साथ हमारा स्टेट्स वाला पार्ट और हमारा जो डेज वाला पार्ट है वो खत्म होता है। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए, और क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो दोस्तों। अगले टॉपिक्स में आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, शायद अगला टॉपिक हमारा इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स का है, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सभी बच्चों ने क्लास को जरूर देखना है। तो चलिए, अब मुलाकात कल 12 बजे होगी, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।